हजारों लाखों किसान परिवार जिनकी रोजी रोटी दूध से चलती है, जिनके बच्चों की पढ़ाई होती है, उनकी किताबें आती है, इसलिए ये किसान के बच्चों के खिलाफ भी है। ये कानून हमारी माता और बहने जो 80 से ज्यादा प्रतिशत दूध उत्पादन में लगी हुई है, ये उन महिलाओं के भी खिलाफ है कि आजादी के 75 साल मना रही है। तो वो मोदी सरकार आजादी के 75 साल पर देश के किसान की आत्मा पर आघात कर रही है कि मोदी जी, 3 कृषि कानूनों के समय तो हम देश का किसान दिल्ली ट्रैक्टर ही लेकर आया था, अब देश का किसान गाय भैंस बकरी और ऊंट भी लेकर आएगा, आप तैयार हो जाइए। आपको झुकाया था और आगे भी झुकाएगा। साथियों, मोदी की सरकार ने अपने शासन काल में जब जब किसान के लिए कानून बनाया है, वो किसान के खिलाफ कानून बनाया है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का कानून हो, चाहे 3 कृषि कानून हो, वो किसान के अस्तित्व को मिटाने के कानून थे और इसलिए वो भारत की आत्मा के खिलाफ कानून थे। इसलिए साथियों, ये जो कानून है, ये जो GST ला रहे हैं, जो ले आए हैं दूध पे 5% और दूध उत्पादों पे, उसके साथ ही मशीनरी पे 12 से बढ़ाकर 18% जो GST की है, ये पूरी तरीके से किसान के विरोध में है। हजारों लाखों किसान परिवार जिनकी रोजी रोटी दूध से चलती है, जिनके बच्चों की पढ़ाई होती है, उनकी किताबें आती है, इसलिए ये किसान के बच्चों के खिलाफ भी है। ये कानून हमारी माता और बहने जो 80 से ज्यादा प्रतिशत दूध उत्पादन में लगी हुई है, ये उन महिलाओं के भी खिलाफ है। जो मोदी सरकार कह रही है कि आजादी के 75 साल मना रही है, तो वो मोदी सरकार आजादी के 75 साल पर देश के किसान की आत्मा पर आघात कर रही है, देश के महिला किसान के आर्थिक हितों के खिलाफ जा रही है। और हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि मोदी जी, 3 कृषि कानूनों के समय तो हम देश का किसान दिल्ली ट्रैक्टर ही लेकर आया था, अब देश का किसान गाय भैंस बकरी और ऊंट भी लेकर आएगा, आप तैयार हो जाइए, अन्यथा ये 5% GST वापस ले लीजिए। साथियों, जब भी ये कानून बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सोचती है कि इस देश का किसान कमजोर है, इस देश का किसान जानता नहीं है, इस देश का किसान अकेला है, लेकिन इस देश के किसान का इतिहास बताता है कि वो कमजोर नहीं है, वो अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन के साथ बहुत मजबूती से संगठित है और अपने खिलाफ हुए हर हमले का जोरदार और करारा जवाब देगा। इसी के साथ सभी साथियों को ये विश्वास दिलाते हुए कि जब भी ये आप उम्मीद करेंगे, आप आवाज देंगे, राजस्थान का किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। धन्यवाद साथियों, किसान एकता चितो पर।